Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. स्वागत है इस शो में जिसका नाम है जमा कंपनी. Co-powered by Smith & Jones Pasta Masala and Trends. आज का शो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए है कि जिन्हें देखकर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है. एक खास मेहमान, the ravishingly beautiful Ravina Tanna. थैंक यू. एक बात बताओ. हाँ जी. इंडस्ट्री में 25 साल हो गए. हाँ जी. लेकिन आज भी आप 25 की लगती हो, राज क्या है? किसी को बताइएगा नहीं, आप ही से तो सीखी हूं. वैसे मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ. मैंने बात कंप्लीट नहीं की. अच्छा, आगे. जो भी हो, दिल दिमाग यंग एंड हैपनिंग होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? रवीना. हाँ जी. बहुत बार मैंने कोशिश की कि एक बात मैं आपको बोलूं. हम दोनों की एक फिल्म शुरू हुई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला. धक धक हो रहा है मुझे दिल में. बोल दूं? हाँ, बोल दीजिए. मैंने कह दिया. हाँ. लेकिन सुनना और कोई नहीं बोलना. लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना. तो फिर तो आप एक कदम आगे लीजिए. ओके. फिर ये ऐसे कीजिए. रवीना, आज इसीलिए आपके लिए खास भेंट है. ओ वाओ. चलिए हम दोनों बैठते हैं. चलिए. और देखिए आपके लिए हम क्या लाए हैं. हाउ स्वीट. थैंक यू. थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां रवीना मैम के लिए. रवीना मैम जी, आप इतने सारे शोज में गई हैं, सच बताइए ऐसा ट्रिब्यूट कहीं मिला है आपको? आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक कृष्णा. आई थिंक आप इतने टैलेंटेड है ना कि वाकई आप इतने हॉट और सेक्सी लग रहे थे ये करते हुए. बहुत सारे लड़के जो इधर है आज रात को सो नहीं पाएंगे. मुझे पता नहीं डर से नहीं सोएंगे कि फैंटेसी से नहीं सोएंगे, वो मुझे पता नहीं. नहीं, मैं ऑडियंस से एक चीज कहना चाहूंगा. ये गाना हम सबने देखा है और दिल से बोलता हूं और छाती ठोक के बोलता हूं, कोई भी हीरोइन आ जाए इतना सेंसुअस और इस क्लासी वे में जो आपने किया, कोई भी नहीं कर सकता. कोई भी हीरोइन, कोई भी. रवीना मैम के लिए जोरदार तालियां. और दादा, ये रवीना को झेलने के लिए दादा के लिए भी जोरदार तालियां. मुझे भाग रहा था, मुझे लगा वो गिरेगा. दादा तैयार है, रवीना भी तैयार है और हम भी तैयार हैं आज के प्ले के साथ जिसका नाम है चकते रवीना. क्योंकि दादा सर पे जब हॉकी पड़ती है तो खून ही निकलता है दादा. मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने डिसाइड कर लिया था कि ये लड़का एक दिन हॉकी प्लेयर बनेगा. पता है क्यों? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादा दी दुनिया से गोल हो लिए थे. हाँ, उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं बनूंगा हॉकी प्लेयर. और यहां पर मैं मैनेजर साहब से मिलने के लिए आया हूं. मैनेजर साहब का है. अरे वाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है. आपका है सर? प्लास्टिक का. भले ही प्लास्टिक का हो लेकिन प्यारा तो बहुत है सर. अपने बाप पे गया. आपने अभी कहा प्लास्टिक है, अभी आप कह रहे हैं बाप पे गया, ये क्या मतलब? ओ, माय सेल्फ प्लास्टिक दुबे.
प्लास्टिक दुबे? आपका नाम प्लास्टिक दुबे? खैर मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता, जाइए मैनेजर साहब को बुलाइए। तो मैनेजर के मुंह लगते हो, आ जाओ फिर मैं ही हूँ। अच्छा आप ही मैनेजर साहब हैं? अरे कमाल है सर, आप इतने बड़े आदमी और ऑफिस में से ये बच्चा लेके घूम रहे हैं। ये कोई भालू का बच्चा है, हैरान क्यों हो रहे हो? मेरा बच्चा है। नहीं नहीं मेरा मतलब है सर ऑफिस टाइमिंग्स है, अपनी वाइफ को दे देते ये बच्चा। आप रो क्यों रहे हैं सर? मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ सर? जब मैं प्रेग्नेंट था मुझे छोड़ के चली गई। ये क्या बकवास है, आदमी कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं मुझे पता नहीं था ना, अगर पता होता मैं नहीं होता। आप यहाँ क्यों? हेलो सर, माई सेल्फ कबीर खान। अच्छा अच्छा। मैं कोच बनना चाहता हूँ। अरे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। आपके यहाँ पे कोई लैंडलाइन होगा सर? हाँ अंदर है। किसको लगाना फोन? लगाना नहीं आपके मुंह पे मारना। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? मैं यहाँ पर कोच की नौकरी के लिए आया और आप ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहे हैं आप? देखिए हम आपको कोच बनाएंगे, पर पहले हमें देखना पड़ेगा कि आप में वो काबिलियत है बनने की कि नहीं। अरे सर मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं तो इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ सर कि मेरे 3-3 बच्चे हैं। ये हॉकी से बच्चों का क्या लेना देना? बच्चों का तो क्रिकेट से भी कोई लेना देना नहीं है सर, लेकिन सचिन के बच्चे हैं ना। मेरा मतलब है आपने कभी कोचिंग दी है कहीं? मैं कोचिंग देने के लिए एक दिन गया था सर। अच्छा। हाँ लेकिन रात बहुत हो गई थी। फिर क्या, बताया ना मेरे 3-3 बच्चे हैं सर। मैं इनको समझाओ यार। हॉकी का एक्सपीरियंस है आपको? अरे एक्सपीरियंस का तो पूछो मत सर। अच्छा हाँ। कितने साल का है? बोला ना पूछो मत सर। बोला मत पूछो तो क्यों पूछ रहे हैं? ओ हाँ। मुझे ऐसे ही एक बेवकूफ बंदा चाहिए, क्योंकि लोग ये ना कहेंगे ये अकेला पागल है, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ सर, मैं अपनी जान लगा दूंगा। जान नहीं लगानी? हाँ। 7 सोमवार व्रत रखना है, कौओं को रोटी डालनी है। मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करनी? प्रैक्टिस बहुत कर ली, अब भगवान पे भरोसा रखो। अरे सर आप फिकर मत करिए, मैं हॉकी को बदल दूंगा सर, मैं बदल दूंगा। अच्छा कैसे? मैं ये पुराना बेच के नया लूंगा सर। आप पक्के हो गए? ऐसा ही बंदा चाहिए। देखो कल ग्राउंड में आ जाओ सुबह। हाँ सर। वहाँ मेरी मैनेजर मिलेगी? हाँ सर। वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी? 24 घंटे नहीं सर, 2 घंटे बाथरूम भी जाना होता है, मैं अलग रहूंगा सर। 2 घंटे लगाते हो बाथरूम में? अरे सर 2 घंटे क्या, मोबाइल की बैटरी फुल हो और वाईफाई हो तो 4 घंटे भी लगाता हूँ मैं कभी कभी। आप जानते हो वे क्या क्या डाउनलोड करते हो। कोई बात नहीं। हाँ। सुबह ग्राउंड में मिलते हैं। ओके सर। ओके आई सी यू इन द ग्राउंड सर। कबीर खान सर, मैं मेहनत करूंगा सर, मैं मेहनत करूंगा सर। भाई खेल खेल में मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं खा रहा हूँ चिंग्स की शेजवान चटनी से बने ये शेजवान नूडल्स। आप भी लीजिए एक छोटा सा चिंग्स ब्रेक। बी राइट बैक। सुमन जी कौन सा दूल्हा स्पोर्ट्स शूज पहन के शादी करता है? मेरा, हमने भागकर शादी की थी ना। एनीवेज नए कोच आ रहे हैं, जरा ठीक से बात करना, मैंने सुना है वो बहुत ही कड़क हैं। कड़क कड़क है तो पहले बोलने का था ना, रात भर भिगो के रखती सुबह तक नरम हो जाता। खबरदार अगर ऐसे बदतमीजी से बात की, इतनी मुश्किल से कोच मिले हैं, कहीं ये भी भाग ना जाए, समझे जी? चला जा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।